आज किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को अपने एंड यूजर या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत अधिक मार्केटिंग करनी पड़ती है और मार्केटिंग के जरिए और पैमाने निरंतर बदलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केटिंग में बहुत अधिक बजट खर्च करना पड़ता है। और ऐसे में यदि मार्केटिंग से आपको कोई रिजल्ट नहीं आता तो बहुत अधिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बेस्ट बना सकती है और कंज्यूमर को उस चीज को खरीदने के लिए मजबूर कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को जिसे आप एंड यूजर तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए इन चार फैक्टर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो, इसके लिए मेटास क्लब के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के लिए ये चार महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। नंबर 1 कल्चर, नंबर 2 सोशल क्लास, नंबर 3 कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड नंबर 4 पर्सनल फैक्टर। फ्रेंड्स, आप जिस भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं उसमें अपने कंज्यूमर का कल्चर समझना बहुत जरूरी है। मतलब जो प्रोडक्ट आप अपने कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं वो किस कल्चर को बिलोंग करता है। अगर आप रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करते हैं, रेडीमेड गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपके कंज्यूमर का कल्चर क्या है। वेस्टर्न कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर, मॉडर्न कल्चर या रीजनल कल्चर। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप कपड़े बनाते हैं, तो आप सूट पैंट बनाते हैं, आप जीन्स टी शर्ट बनाते हैं, आप किसी स्टेट के कपड़े बनाते हैं, किसी स्टेट से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं, जैसे राजस्थानी कल्चर, पंजाबी कल्चर। ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके कंज्यूमर का कल्चर क्या है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल साउंडनेस। आपको ये भी देखना होगा जिस कंज्यूमर के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो फाइनेंशियली कितना साउंड है और दो तरह के प्रोडक्ट्स में से वो किन चीज़ों का चयन करता है। नंबर 1 नेसेसिटी आइटम्स, नेसेसिटी गुड्स और लग्जरी आइटम्स और लग्जरी गुड्स। मतलब नेसेसिटी आइटम्स, नेसेसिटी गुड्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे रोज़ाना के जीवनचर्या को चलाने के लिए आपको किस तरह के कपड़े चाहिए, किस तरह की यूनिफॉर्म चाहिए, किस तरह की बुक्स चाहिए, किस तरह का फूड चाहिए। ये सारी वो आइटम्स हैं जिनको हम रेगुलर अपने लाइफ में नेसेसिटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लग्जरी गुड्स और लग्जरी आइटम्स। एक कंज्यूमर की फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि वो कितना लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है। लग्जरी आइटम्स और लग्जरी गुड्स स्टैंड्स फॉर वो सारी चीजें जो एक लग्जरी के रूप में इस्तेमाल होती है। एक्सपेंसिव वॉचेस, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लॉथ्स, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड गाड़ियां और वो सारी चीज जो कहीं ना कहीं एक एक्सपेंसिव ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। सोशल क्लास, प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करते समय आपको अपने कंज्यूमर की सोशल क्लास को भी देखना होता है कि क्या वो बिजनेस क्लास को बिलोंग करता है, प्रोफेशनल क्लास को बिलोंग करता है, सर्विस क्लास को बिलोंग करता है या लेबर क्लास को बिलोंग करता है। पर्सनल फैक्टर, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करना चाहते हैं वो किस एज ग्रुप को बिलोंग करता है। आपका प्रोडक्ट क्या बच्चों के लिए है, आपका प्रोडक्ट क्या यूथ के लिए है, आपका प्रोडक्ट क्या यंगस्टर्स के लिए है, आपका प्रोडक्ट या सीनियर सिटीजन के लिए है। ये पर्सनल फैक्टर देखना बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट का एंड यूजर कौन होगा, उसी के हिसाब से आपको अपने कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी होगी। कंज्यूमर साइकोलॉजी, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते समय जो पहले 3 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, ये फैक्टर इन सभी 3 फैक्टर पर भी लागू होता है। कंज्यूमर साइकोलॉजी मतलब जिस कंज्यूमर के लिए आप प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं या दे रहे हैं उसकी साइकोलॉजी क्या है, और ये साइकोलॉजी 3 तरह की होती है। 1 प्राइस कॉन्शियस, 2 क्वालिटी कॉन्शियस एंड 3 ब्रांड कॉन्शियस। प्राइस कॉन्शियस वो लोग होते हैं जो एक प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट से कंपेयर करना शुरू करते हैं कि आपका प्रोडक्ट इतने का है, दूसरे का प्रोडक्ट इतने का है, तो वो ब्रांड और क्वालिटी को छोड़कर सबसे पहले प्राइस के पीछे भागते हैं और प्राइस वॉर में उनके लिए अलग तरह की स्ट्रेटेजी डिजाइन की जाती है। दूसरा जो कंज्यूमर होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और ब्रांड क्या है,
वो तो हमेशा फोकस करता है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को, वो हमेशा प्राइस को और ब्रांड को साइड में छोड़कर हमेशा फोकस करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो कब तक चलेगा, वो कितना बढ़िया होगा, वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड थर्ड, दैट इज ब्रांड कॉन्शियस। बहुत सारे लोग ना प्राइस कॉन्शियस होते हैं ना क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, उनका फोकस तो केवल ब्रांड पर होता है और एक पर्टिकुलर ब्रांड की छाप जो उनके मन में बन चुकी होती है वो हमेशा उसी ब्रांड को खरीदने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करनी चाहिए और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो हम डिज़ाइन करते हैं उसी के अनुसार हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारा एडवर्टीजमेंट किस तरह का होगा जो हमारे कंज्यूमर को ठीक तरीके से प्रभावित कर सके, आकर्षित कर सके और वो चीज़ खरीदने के लिए मजबूर कर सके। फ्रेंड्स, आज एडवर्टीजमेंट करने के बहुत सारे मेथड डेवलप हो चुके हैं, हमें ये देखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस पर कौन सा एडवर्टीजमेंट का फॉर्मूला सटीक बैठता है। फनी एडवर्टीजमेंट, इंस्पिरेशनल एडवर्टीजमेंट, मोटिवेशनल एडवर्टीजमेंट, क्वेश्चनेयर एडवर्टीजमेंट, लविंग एडवर्टीजमेंट, इमोशनल एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट, कॉम्पिटेटिव एडवर्टीजमेंट, क्रॉस एडवर्टीजमेंट, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट एंड पैट्रियोटिक एडवर्टीजमेंट। इंस्पिरेशनल एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, एक बच्चा जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है। वहां पर बहुत सारे लोग, एक पेड़ गिरा हुआ है, बारिश हो रही है, लेकिन लोग वहां उसको देखकर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा उस पेड़ को हटाएगा, लेकिन एक छोटा सा बच्चा आकर इनिशिएटिव लेता है। सबको पता है बच्चा पेड़ नहीं हटा पाएगा, लेकिन फिर भी उसके इमोशंस को देखकर, उसकी इंस्पिरेशन को देखकर लोग सभी मिलकर उस पेड़ को हटाने में लग जाते हैं। ये एडवर्टीजमेंट एक मोटिवेशनल एडवर्टीजमेंट भी है। क्वेश्चनेयर एडवर्टीजमेंट, एक ऐसा एडवर्टीजमेंट जो आपके मन में एक सवाल पैदा करता है। आपने देखा होगा कोलगेट का एडवर्टीजमेंट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये एडवर्टीजमेंट आपके मन में एक सवाल, एक जिज्ञासा पैदा करता है कि जो रोज पेस्ट में इस्तेमाल करता हूं उसमें नमक है या नहीं, क्योंकि हमने सुना था हमारे दादा दादी नाना नानी से कि पेस्ट में अगर नमक होता है तो आपके मसूड़े खराब नहीं होते। नमक और तेल से किया हुआ मंजन हमेशा आपके मसूड़ों को मजबूत बनाता है और दांतों को मजबूत बनाता है। तो एडवर्टीजमेंट आपके मन में एक क्वेश्चन पैदा करता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। इनकरेज करने वाला एडवर्टीजमेंट जो आपको हमेशा इंस्पायर करता है जीवन में कुछ ऐसा करने के लिए जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, मतलब अगर आपने अगर ड्यू पी ली तो आप एक ब्रेव पर्सन बन जाएंगे, एक बहादुर पर्सन बन जाएंगे और पहाड़ से कूदने में भी आपको कोई डर नहीं लगेगा। एक आम आदमी हमेशा अपने आप को एक सुपर पावर मैन की तरह, सुपर पावर व्यक्ति की तरह अपने आप को देखना चाहता है, इसीलिए वो इंस्पायर होके माउंटेन ड्यू पीता है। और एक एडवर्टीजमेंट बहुत पुराना आपने देखा होगा, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। ये एडवर्टीजमेंट एक पैट्रियोटिक एडवर्टीजमेंट है जिसमें एक प्रोडक्ट को अपने देश से जोड़ा जाता है, देश की गरिमा से जोड़ा जाता है और वो प्रोडक्ट स्पेशली हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है, इस तरह का भाव आपके मन में पैदा किया जाता है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज, हमारा बजाज। सेलिब्रेशन बेस्ड एडवर्टीजमेंट, एक ऐसा एडवर्टीजमेंट जो एक चीज को, एक प्रोडक्ट को सेलिब्रेशन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लोगों को मजबूर करता है। आपने देखा होगा कि सेलिब्रेशन बेस्ड एडवर्टीजमेंट हिंदुस्तान में सबसे पहले कैडबरी चॉकलेट लेकर आई और उसने हर त्योहार से, हर फेस्टिवल से मिठाइयों को हटा के दूर कर दिया, क्योंकि हर चीज के लिए कुछ मीठा हो जाए। क्रॉस प्रमोशन या क्रॉस एडवर्टीजमेंट, जब एक ब्रांड किसी तरह के एडवर्टीजमेंट को निकालता है तो उसी ब्रांड का कॉम्पिटेटिव ब्रांड मार्केट में क्रॉस एडवर्टीजमेंट लगाता है। जैसे माउंटेन ड्यू की एक एडवर्टीजमेंट आई कि डर के आगे जीत है, उन्होंने ये दिखाया कि आपको अगर जीतना है तो आपको डर पर काबू पाना होगा, आपको माउंटेन ड्यू पीना होगा। और वहीं दूसरी ओर एक कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट की कंपनी ने अपना एडवर्टीजमेंट निकाला जिसे हम क्रॉस एडवर्टीजमेंट कहते हैं, उन्होंने कहा दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। क्रॉस एडवर्टीजमेंट की एक स्ट्रेटेजी में एक कंपनी ने उन दोनों क्रॉस एडवर्टीजमेंट को ना करके एक न्यूट्रल एडवर्टीजमेंट किया और कोशिश की कि उस प्रोडक्ट का जेनरिक नेम वही पड़ जाए, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला। उत्तेजना पैदा करने वाले विज्ञापन, जबकि वो विज्ञापन मात्र इस बात का था कि सिगरेट पीने से आपका जीवन निरंतर घटता जाता है, और इस विज्ञापन को इस तरह से बनाया गया
जिन्होंने लोगों के मन में एक उत्तेजना पैदा कर दी, एक एग्रेसिवनेस पैदा कर दी कि काश वो सिगरेट मैंने ना पी होती। पैट्रियोटिक एडवर्टाइजमेंट का भरपूर प्रयोग इस समय पतंजलि के बाबा रामदेव भी अपने विज्ञापन में कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश का पैसा देश में लाओ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के लिए आइडिया जनरेट करके एक ऐसा यूनिक वीडियो बनाएं, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं जो आपके प्रोडक्ट को बहुत तेजी से वायरल कर दे और साथ ही साथ कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर कर दे। अगर आपके मन में आपके प्रोडक्ट से लेकर आपके एडवर्टाइजमेंट के आइडिया से लेकर कोई भी सवाल या कोई भी बात आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारी टीम आपके उस कमेंट का रिव्यू करेगी और आपके एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करने के लिए हम आपको बहुत सारी सपोर्ट अवेलेबल कराएंगे। तो कोशिश करें एक ऐसा विज्ञापन बनाने का जो आपके कंज्यूमर के मन में एक गहरी छाप बना दे और उसे उस प्रोडक्ट से लगाव पैदा हो जाए और खरीदने के लिए वो मजबूर हो जाए। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।